हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सुसैम किचन मैजिक बाय मोनिका। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दही भल्ले बनाने का मसाला। बहुत ही आसान तरीका है बनाने का और बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। ये मसाला मल्टीपर्पज है। आप टिक्की चाट, पापड़ी चाट या कोई भी चाट घर पर बना रहे हैं, दही का रायता बना रहे हैं, हर तरह से यूज कर सकते हैं। इसे बनाना शुरू करते हैं। दही भल्लों का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए जीरा, अजवाइन, पुदीना, काला नमक, सफ़ेद नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और अमचूर पाउडर। मसाला बनाने के लिए हम अपना पैन को गर्म कर लेंगे और इसमें सबसे पहले जीरा और अजवाइन डालकर गैस को एकदम सिम करके अच्छी तरह से भून लेंगे। जीरा भुनने की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे 2 से 3 मिनट इसमें भुनने में लगे हैं। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। अब मैं इसमें पुदीना पाउडर, काला नमक, लाल मिर्च, सफ़ेद नमक, काली मिर्च और अमचूर पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी। गैस बंद करने के बाद ही हमें मसाले डालने हैं गरम पैन में, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। अब हमारे मसाले भी अच्छी तरह से भुन गए हैं। मैंने एक प्लेट में ठंडा होने के लिए निकाल लूँगी। मसाला ठंडा हो गया है। अब मैं इसे इसमें डालकर दरदरा पीस लूँगी। आप चकले पर भी बेलन की मदद से इसे पीस सकते हैं। दही भल्ले का मसाला तो अब एकदम रेडी हो गया है। अब हमें बनाने हैं दही भल्ले, और वो भी एकदम डिफरेंट तरीके से और बहुत ही इजी भी बन जाए। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जरूर जाकर देखें। बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बनकर तैयार हुआ है। आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी चाट या रायता बना रहे हों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।